फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट बनाना मिल्क शेक, जो कि बहुत ही हेल्दी है। और अगर बच्चे का वेट नहीं बढ़ता है तो भी आप ये मिल्क शेक दे सकते हैं, तो बहुत इम्प्रूवमेंट होगा बच्चों की हाइट और ग्रोथ के लिए, बहुत अच्छा होता है। और इन क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर होता है तो बच्चे बहुत पसंद से पीते हैं, तो आप इस मिल्क को ज़रूर बच्चों को दे बना के। अभी समर है तो आप इसको दे सकते हैं, बच्चे इंजॉय करेंगे इसको। तो कैसे बनाया मैंने, चलिए मैं बताती हूँ इसको कैसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। और अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, पुष्पलता किचन 50। चॉकलेट बनाना मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने दो बनाना लिए हैं, ये मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक चॉकलेट और पिसी हुई शुगर लिया है, बाउल लिया, हर्शीज सिरप लिया है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है बादाम, किशमिश और डेट्स लिया है। डेट्स में आयरन बहुत अधिक होता है। मिल्क लिया है तो ये मैंने इसको पील करके बनाना को मैंने ले लिया है, तो चलिए अब बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिक्सर जार ले लिया है, उसके अंदर मैंने पहले ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, फिर बनाना डाला है, और उसके बाद इसके अंदर हम ये मैंने लिया है बूरा। आप चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं, मेरे पास बूरा है तो मैं बूरा का यूज़ कर रही हूँ। ये अच्छा रहता है, चीनी से ज़्यादा हेल्दी होता है ये। और यहाँ पर मिल्क मैंने 1 बाउल मिल्क लिया है, अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे ग्राइंड कर लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत ऐसी चीज़ें डाली हैं जो बहुत ही हेल्दी है। तो यहाँ पे मैंने पहले 1 गिलास डाला था मिल्क, उसके बाद दोबारा मैंने थोड़ा ग्राइंड करने के बाद डाला है। इसी के अंदर हम आइस क्यूब भी डाल देंगे तो अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर चॉकलेट सिरप डाल रही हूँ और मैंने चॉकलेट डाला है। अब मैं यहाँ पर सर्व कर लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं हर्शीज सिरप से थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डेकोरेशन किया है ताकि देखने में अच्छा लगे। ऊपर से अब मैंने जो रेडी कर लिया है मिल्क शेक वो मैं ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद डालने के बाद फिर हम ऊपर से गार्निश करेंगे हर्शीज सिरप से, ताकि देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और बच्चे देखते ही फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पर ये मैंने इसमें डाल दिया है, तो इस तरह से कर देंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनता है और हेल्दी भी साथ में होता है। और यहाँ पे मैंने जो चॉकलेट लिया था उसके ऊपर से थोड़ा गार्निश कर देते हैं, ताकि चॉकलेट के नाम से ही बच्चे एकदम फिनिश कर दें। ऊपर से मैंने चॉकलेट डाल दिया है और बनाना क्यूब से मैंने यहाँ पे थोड़ा डेकोरेशन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये ड्रिंक बहुत ही हेल्दी होता है, आप अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं इन समर में। और बनाना के अंदर बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अगर एक बनाना भी बच्चा खा लेता है दिन में तो उसको सारे विटामिन्स मिल जाते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चों को दें, और इस तरह से शेक अगर बना के देते हैं तो वो डबल बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, और लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक से मोटिवेशन मिलता है। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।